नमस्कार दोस्तों। दैनिक लाइफ में जैसे किसी प्रकार की घटना हो जाती है या कहीं कोई भी हमारा शरीर का अंग फ्रैक्चर हो जाता है, हम जाते जाते समय इतना बिजी लाइफ है कि मोटरसाइकिल से, वाहन से, किसी भी प्रकार से पैदल चलते समय इतने बिजी लाइफ में कभी न कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी चोटें लग जाती हैं। उसके बारे में हम प्रिकॉशन और सावधानियां बताएंगे, किस प्रकार से हम अपने अंग को सुरक्षित रख के या सुरक्षित तरीके से हम हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल तक जा सकते हैं जिससे कि हमारा अंग सुरक्षित रहे। इस प्रकार से जैसे कोई भी चोट लग गया हमारे शरीर के किसी भी अंग को, तो हम किस प्रकार से उसको बचाएंगे, किस प्रकार से कार्य करेंगे, हम इस डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। आपके सामने देखिए, हमारे सामने एक व्यक्ति मार रहा है, अचानक चलते चलते अचानक इसको चोट लग गई। अब ये गिर गया, अब इस गिरे हुए माध्यम को बहुत चोट, पहले चेक करेंगे कि नहीं क्या हुआ भाई साहब, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, दाहिने हाथ में आपको दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है सर आपको? ये देखिए, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इस विक्टिम का कंडीशन है, आपको कुछ नहीं होगा, आप बहुत दर्द, अभी अभी ठीक हो जाओगे आप घबराए नहीं। इस विक्टिम पे ये जो है आपके नीचे जो कोहनी में, जिसको एल्बो ज्वाइंट बोलते हैं, यहाँ जो है चोट हो गई है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको यही स्टेबलाइज करेंगे, स्टेबलाइज इसको चलन की प्रक्रिया न कर पाए। जब भी हम इसको ले आएंगे, पहले सबसे पहले एक बहुत ही नीचे ऊपर लगाएंगे। लगाने के बाद अब हम इसको ट्रेनर बैंडेज के माध्यम से, देखिए आप लोगों के सामने मैं इस प्रकार से इसको स्टेबलाइज करने की प्रक्रिया को अंजाम, हाथ का अगर ये हाथ जो है अगर इसी सिचुएशन में मिला तो हमें इसको सीधा करने की कोशिश कभी नहीं करना है, क्योंकि सीधा कोशिश करेंगे तो जो रेडियस अलना है, ये हड्डी है या ह्यूमरस की बोन है, ह्यूमरस की बोन ये है, रेडियस अलना की बोन ये है। अगर मान लीजिए यहाँ से एल्बो ज्वाइंट से या एल्बो ज्वाइंट की जो हड्डियाँ हैं ये बाहर निकल सकती हैं, इस सिचुएशन में और अस्थि भंग का होने का खतरा हो सकता है, तो हम इसको यहीं पर स्टेबलाइज करेंगे। और इसको नर्व मोशन होता है कि अगर हम इसको क्यों नहीं सीधा करते, सीधा अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो ये जो हड्डी है, जैसे यहाँ की रेडियस होना, यहाँ की हिमरत, अगर मान लीजिए हम बाई चांस और सीधा कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो हड्डियों का चुभा हुआ भाग है वह बहुत नुकीला होता है, वह उस नुकीले वजह से जो आर्टरी और वेंस का सर्कुलेशन चल रहा है, उस आर्टरी और वेंस कट जाने से और की वजह से व्यक्ति की जान की खतरा और बढ़ सकती है। आप देखिए, इसको हम सुनिंग और स्वाद के माध्यम से, यहाँ पर देखिए आपके सामने हमारे यहाँ से यह जो है, आप धीरे धीरे विक्टिम को अगर इस कंडीशन में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको हम बैठा भी सकते हैं सहारा देकर, और बीच बीच में हम इमोशनल सपोर्ट देंगे। अब यह जो है बिल्कुल हम स्टेबलाइज कर दिए, यह छोटी स्क्रीन के माध्यम से हम यहाँ स्टेबलाइज कर दिए। अब यह है कि इस कारण जैसे अगर हम इसको इधर उधर इधर लेके जा रहा है तो हाथ इधर भी घुमा सकता है, उधर भी घुमा सकता है, इसको और दर्द हो सकती है। इस कंडीशन में हम इसको देखिए, कोई भी अगर सफेद कपड़ा हो या कोई भी, हम इसको ट्रेनर बैंडेज के नाम से जानते हैं, इसको हम स्टेबलाइज करने के लिए और सही तरीका किस प्रकार हम इसको लगाएंगे आप देखिए। अब सिचुएशन क्या हुई, हम इसको स्टेबलाइज कर दिए। स्टेबलाइज करने के बाद भी अगर इस तरह हम एक कंडीशन सीलिंग के माध्यम से नहीं लगाएंगे तो इसका हाथ जो है यह केहने के यहाँ जो एल्बो ज्वाइंट है इससे नीचे हुए जाएगा और यहाँ दर्द होगी और इसको काफी अनरिलैक्स महसूस होगा। इस सिचुएशन में हम इस प्रकार की सीलिंग लगाएंगे। सीलिंग लगाने से इसका भार पूरे कंधे के ये सर्वाइकल से जुड़ा होगा, इससे काफी कंफर्टेबल महसूस होगा। जब यहाँ पर हम बांधते हैं एक छोटा सा गाज पीस, इसको हम ले लेंगे, जैसे हम यहाँ ड्रेसिंग के माध्यम या कांच पीस लगाए छोटा सा, इसको कोई प्रकार की गांठ चुभे न, और इस तरह हम लगा दिए। अब इस सिचुएशन में हमने जो है सीलिंग लगा दिया, सीलिंग के माध्यम से अब इसको कंफर्टेबल हो गया। अब क्या होगा कि ये इस तरह भी हाथ हिला सकता है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि इसको हम स्वाथ के माध्यम से और न हिलने पाए, इसको देखिए हम आपको इस डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से हम बताएंगे। अब यह जो है हाथ कहीं भी मोबिलाइजेशन नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में अब हम यहाँ पर भी एक ले आइए छोटा सा गांठ पीस का टुकड़ा, यहाँ गांठ के माध्यम यहाँ पर लगा देंगे जिससे किसी भी प्रकार की इसको प्रॉब्लम न हो, और हम यहाँ से विक्टिम को
धीरे धीरे कहेंगे कि भाई आप सहारा देते हुए, जैसे अगर मान लीजिए इस तरह नहीं चल पा रहा है तो वन मैन क्रंच या टू मैन क्रंच या इसको हम हार्ड बोर्ड या स्ट्रेचर पर भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम विक्टिम को इमोशनल सपोर्ट देते हुए घबराने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ से हम इसको मूवमेंट धीरे धीरे कराएंगे, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक हम आपको डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से बताएं, जिसमें किसी का कोई अगर सवाल हो तो हमें पूछ सकता है। धन्यवाद।